स्वागत है आपके सेशन में। जो आज का सेशन है बड़ा मोटिवेशनल है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले पहला सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा आप में से कोई ऐसा आदमी जिसने ना सुना हो कि सैर करना अच्छी बात है? आपको पता है सैर करना अच्छी बात है कि नहीं पता? कितने लोगों को पता है? सबको पता है, सबको पता है। इवन कि हमने 10th में आर्टिकल भी लिखे होंगे, होता था ना सवेर दी सैर के ऊपर लिखो, मॉर्निंग वॉक पे भी ऐसे लिखा होगा, सबने लिखा होगा और उसमें बहुत सारे फायदे आपने ही लिखे होंगे। हम सबको पता है कि सैर करनी अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग हैं जो सैर करते हैं रोज? बहुत कम, एक या दो लोगों के हाथ खड़े हैं। हम सबको पता है कि सैर करनी चाहिए, लेकिन करते कितने लोग हैं? बहुत कम। अच्छा दूसरा सवाल, कितने लोगों को पता है कि नशा बुरी चीज़ है? सबको पता है, लगभग सबको पता है कि नशा बुरी चीज़ है, फिर क्यों कर रहे हैं? इन सवालों से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हमें ये भी पता है क्या करना चाहिए, हमें ये भी पता है क्या नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी हम वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए और हमें पता है कि ये हमें नुकसान करेगा। हमें ये पता है कि क्या करना चाहिए और उस चीज़ के क्या फायदे होते हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं कर पा रहे। तो इस बात से एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि आपको क्या पता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉलेज से बिहेवियर में चेंजेस नहीं आते। सिर्फ ये पता होने से कि नशा बुरी चीज़ है, नशा नहीं छूट जाता। सिर्फ ये पता होने से कि सैर करनी चाहिए, कोई सैर नहीं शुरू कर देता। अब ये क्यों बता रहा हूँ? अगर किसी को लगता है कोई किताब पढ़ के या कोई लेक्चर सुन के जिंदगी बदल जाएगी, तो ये एक गलत फहमी है। लेक्चर सुनने से, जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इससे हमें रास्ते तो पता चल जाएंगे, कुछ टेक्निक्स पता चल जाएंगी, लेकिन इससे बिहेवियर में चेंजेस नहीं आते। तो उसका क्या कारण है? तो एक बात याद रखिए, सिर्फ पता होने से जिंदगी नहीं बदलती। पता तो रावण को कितना था, 4 वेद का ज्ञाता था, उसके 10 सिर दिखाए जाते हैं। उसके पीछे सिंबल क्या है कि उसको इतना ज्ञान था कि एक सिर में नहीं समा सकता। सो नॉलेज कितनी थी, लेकिन उसका बिहेवियर कैसा था? सो नॉलेज होने से जिंदगी नहीं बदला करती। फिर क्या चीज़ है जो जिंदगी बदलती है? हमने से सबको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, अगर फिर भी हम नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे जो रीज़न है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सो इन शॉर्ट, नॉलेज से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है, बिहेवियर बदलता है मोटिवेशन से। मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रेरणा, है ना, प्रेरणा, किसी को प्रेरित करना। सो आज का जो सेशन है इसी टॉपिक पे है कि कैसे मोटिवेशन काम करती है। जो हमारा दिमाग है ना, हमारे दिमाग की गाड़ी नॉलेज से नहीं चलती, हमारे दिमाग की गाड़ी प्रेरणा से चलती है। बिहेवियर जब भी चेंज होगा, मोटिवेशन से चेंज होगा, सिर्फ बातें सुनने से या नॉलेज से चेंज नहीं होगा। सो आज के दिन हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे, प्रेरणा क्या होती है, प्रेरणा कैसे काम करती है, प्रेरणा को कैसे पैदा किया जाए और प्रेरणा को सदा बना के कैसे रखा जाए, इसी के ऊपर आज का टॉपिक रहेगा। जरूरी है कि नहीं जरूरी है ना? क्योंकि देखो, नशा तो हमने कितनी बार छोड़ा है, किसी कभी 10 बार, 10 दिन के लिए छोड़ा, कभी 2 महीने के लिए छोड़ा, कभी 4 महीने के लिए छोड़ा, कई कई बार साल साल के लिए भी कामयाब हो जाते हैं कई लोग, लेकिन दोबारा क्यों लग जाते हैं? अब इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और वो क्या कारण रहते हैं। अगर हमें ये चीज़ें समझ आ गई तो हम किसी भी बिहेवियर को लंबे टाइम तक चला सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कैसे अपने बिहेवियर को चेंज करना है, आज का सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो एक एक करके चलते हैं। देखो ये तस्वीर देख रहे हो, क्या दिखा रही है ये तस्वीर? बड़ी इंप्रेसिव तस्वीर है, किसी आर्टिस्ट ने बनाई, बहुत अच्छी बनाई है। अपने आप को धक्का लगा रहे हैं। देखो एक गाड़ी है अपने पास, जो अपनी नॉलेज है, आप सिर्फ नॉलेज से अगर काम करने की कोशिश करोगे ना, तो बिल्कुल वैसा है जैसे गाड़ी को आप धक्का लगा के चला रहे हो। धक्का लगा के आप कितनी दूर ले जाओगे गाड़ी को? थोड़ी दूर तक लेके जा सकते हो, मजा तो नहीं आ रहा ना आपको। आपको मर्सिडीज दे दी जाए, चाबी दे दी जाए और शर्त लगाई जाए कि ये गाड़ी आपने चलानी है, लेकिन आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप धक्का लगा रहे हो, तो चाहे जितनी मर्जी महंगी गाड़ी, उसका मजा कोई नहीं ना। सो जो नॉलेज है वो धक्के का काम करती है, लेकिन जो मोटिवेशन है वो पेट्रोल का काम करती है। अगर आपने ड्राइविंग का मजा लेना है, एक तो होता है हम धक्का स्टार्ट चल रहे हैं यार, नशा छोड़ना है, हाँ मैंने वेट घटाना है, धक्का मिल गया, किसी ने बताया कि यार खुराक नहीं कम करेगा, मोटापा नहीं कम करेगा, वेट नहीं घटाएगा, सैर नहीं करेगा तो तेरा वजन बढ़ जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, ये बातें सुनी और सुन के हम चल पड़े, लेकिन ये कितने दिन काम आती है? 4 दिन सैर करता आदमी, 5 दिन सैर करता और फिर बैक।
ठीक है, सो लंबे टाइम तक जो चेंजेस हैं वो नहीं आ पाते। तो उसका क्या कारण है कि हम नॉलेज के हिसाब से चल रहे थे, अगर नहीं करूँगा, लेकिन उसके लिए, उस काम को करने के लिए अंदर से मोटिवेशन नहीं थी, प्रेरणा नहीं थी। तो जब तक प्रेरणा नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगी, हम आगे तक नहीं जा सकते। ड्राइविंग का मजा लेना है तो आपको मोटिवेशन होनी चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल भी होना चाहिए। नेक्स्ट, ये तस्वीर देख रहे हो मैं, वो तस्वीर क्या कह रही है कि आदमी भागा फिर रहा है, टाई लगा के ऑफिस जा रहा है, कहीं जा रहा है। देखो, आप कोई भी काम करते क्यों करते? एक रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, वो रिक्शा चला के मजा आ रहा है उसको? ऐसा तो नहीं कोई कहे मेरा, मेरी तो हॉबी है ये रिक्शा चलाना, तो वो क्यों चलाता है? उसको, हाँ, उसको पेट के कारण, उसको पता है अगर मैं खाना नहीं कमाऊंगा तो घर पे बच्चे नहीं चलेंगे। उसके पास कोई ना कोई मोटिवेशन है, कारण है, प्रेरणा है, तभी वो काम कर रहा है ना। अगर किसी के पास मोटिवेशन नहीं होगी, काम कैसे चलेगा? आप बच्चे को कहते रहो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, आप किताब पे बिठा दोगे, पढ़ा थोड़ी ना सकते। जब तक उसके अंदर मोटिवेशन नहीं, उसके अंदर प्रेरणा नहीं, तो बच्चा पढ़ पाएगा? आप घोड़े को पानी तक ला सकते हो, लेकिन पानी उसको पिला नहीं सकते। जब तक उसके अंदर प्यास नहीं, वो मोटिवेशन नहीं, तो वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सो, अगर आप चाहते हो कि जिंदगी बदले, तो हमें समझना होगा कि मोटिवेशन क्या होती है और इसको कैसे बनाया जाता है। सो, आज के जो सेशन के मैं आपको चार स्टेप बताऊंगा। अगर आप अपनी जिंदगी बदलनी चाहते हैं तो चार स्टेप में हमें इस चीज को समझना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? अगर आप बदलना चाहते हैं तो ईमानदारी से अपने आप से पहले एक सवाल करें कि मैं बदलना भी चाहता हूं या नहीं। अब लोग कहेंगे कि सर अगर ना बदलना चाहते तो आते क्यों यहां पे? आ सकता है ना ये सवाल में, अगर बदलना ही ना चाहते तो इतनी दूर क्यों आते? लेकिन एक बात याद रखिए, अगर यहां पर सारे लोग आए हुए हैं ना, तो क्या सब ठीक होने के मन से आए हुए हैं? सब लोग ठीक होने के मन से नहीं आते। कई बार ना लोग कहते हैं कि यार मैंने मेहनत तो बहुत की सर, बहुत बहुत जान लगा दी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ नशा छोड़ने का, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। कई बार ना हम कह रहे होते हैं, लोगों को बता भी रहे होते हैं और अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे होते हैं, पर कोई जरूरी नहीं होता कि अंदर भी वही चल रहा हो। आदमी ना बड़ा छात्र प्राणी है, हम दूसरों को तो झूठ बोलते हैं, आदमी खुद को भी झूठ बोलने में माहिर है। कई बार ना हम कह रहे होते हैं कि मैंने नशा छोड़ना है, पर रियलिटी ये है कि वो छोड़ने का अंदर से चाह नहीं होता, सिर्फ एक मजबूरी होती है। अगर वो मजबूरी ना हो तो हम कभी नहीं छोड़ने वाले। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर वो मजबूरियां ना हो, घर वाले हमें टोका टाकी ना कर रहे हो, हमारे पास पैसे पूरे हो, हमारे पास खुला मिलता हो, तो हम कभी छोड़ने की सोचेंगे? कभी भी नहीं। क्योंकि जब ये सवाल क्यों पूछना अपने आप से? देखो, जब तक आपका जो जवाब है ना, हाँ मैं छोड़ना चाहता हूं, अंदर से नहीं आ रहा ना, धक्का स्टार्ट गाड़ी है, दूसरों के प्रेशर में, दूसरों के डर से ही आप छोड़ना चाह रहे हो, तो नहीं छोड़ पाओगे। आप 10 दिन छोड़ दोगे, 20 दिन छोड़ लोगे, 2 महीने छोड़ लोगे, जैसे ही वो प्रेशर हटेगा हम फिर जाएंगे। सो, पहला सवाल ये है कि हम छोड़ना भी चाहते हैं कि नहीं, अपने आप से पूछिए। जब तक ये जवाब अंदर से नहीं आया, फिर बहाने ही हैं, फिर आपको बहाने मिलते रहेंगे। क्योंकि अंदर, मैंने उस दिन भी एक कहानी सुनाई थी, अगर आपको याद हो, 4 दोस्त थे, वो गए सैर करने, नौका विहार करने समंदर के किनारे। उन्होंने सोचा कि चल यार आज किश्ती में सैर करके आते हैं समंदर की। तो बैठ गए किश्ती में, शराब शरूब भी रज के वो बैठ गए और किश्ती चलाने लगे। चप्पू चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, आधी रात बीत गई, ठंडी ठंडी हवा आई, नशा भी उतरने लगा। वो फिर एक को होश आई, कहता यार बस करो, अब आगे कितना जाएंगे, वापस भी जाना घर, तो सुबह होने वाली है, चलो वापस चलते हैं। देख, वो एक बोला, कहता देखे तो सही कितनी दूर आ गए। वो कहता वेट करो, मैं देखता हूँ कितनी आगे आगे। वो जब पीछे उतर के देखता, कहता वो टेंशन ना लो, हम तो वहीं खड़े हैं जहाँ रात खड़े थे। क्यों? वो कहता यार रस्सी खोलनी भूल गए पीछे से, चप्पू तो बहुत चलाया, मेहनत तो बहुत की, गाड़ी आगे गई नहीं। क्यों नहीं गई? क्योंकि रस्सी नहीं खोली पीछे। देखो, हम कह रहे हैं कि मैंने नशा छोड़ना है, मैं छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दावे कर रहे हैं, लेकिन मन में से लालच, रस्सी तो अभी खुली नहीं। अभी तक नशे का लालच तो दिमाग से गया ही नहीं। अभी तक तो हमें लग रहा है कि एक गोली भी मिल जाए, चाहे क्रोसिन की मिल जाए, हम उसको भी बहाने ढूंढ ढूंढ के ले रहे हैं। तो पॉइंट समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं?
देखो जब तक मन में से लालच नहीं गया, आपके अंदर से इच्छा नहीं आई कि हाँ मैंने छोड़ना है, तो आप जोर तो बहुत लगाओगे लेकिन होगा क्या, ओ मुड़ खुड़ खोती बोर्ड थले आप जाओगे। देखो क्यों होता है ऐसा, एक बचपन में कहानी पढ़ी होगी ना, जहां कहावत है जहां चाह वहां राह। जिस चीज का आपके मन में शौक है, जिस चीज से आपको प्यार है, वहां तक पहुंचने के रास्ते आपका दिमाग खुद ढूंढ लेता है। अगर आपके मन में नशे का लालच है तो वहां तक पहुंचने के बहाने आपको मिलेंगे। और ये होता है देखो अक्सर, आपने देखा जब किसी लड़के को प्यार हो जाता है, मम्मी उसे भेज रही है चाय पत्ती लाने, वो दुकान तो इस तरफ है वो, लेकिन फिर भी वो उस लड़की के घर के सामने से गुजर के जाएगा जिससे प्यार होता है ना, वो कहता है हर रास्ता मेरे घर से तेरे घर की तरफ जाता है, मतलब कहीं भी जा रहा है, सामान लेने जा रहा है, राशन लेने जा रहा है, कहीं भी जाएगा वो घूम फिर के उस गली में से जरूर गुजरेगा। क्यों? उसका दिमाग बार बार बहाने ढूंढ लेता है कैसे मैं उधर से जाऊं। अगर आपको नशे का शौक अभी तक है और आपके मन में से वो लालच अभी तक गया ही नहीं, अभी तक वो फीलिंग ही नहीं आई कि यार इसमें ठोकरें हैं, तो आप जितना मर्जी जोर लगाओ, कोई जितना मर्जी समझा ले, वो सिर्फ आप अपने आप को धोखा ही दोगे, कुछ दिन के बाद फिर वहीं पहुंच जाओ। सो सबसे पहले जरूरी है अपने आप के साथ ईमानदार होना, किसी से नहीं पूछना कि यार, अकेले में बैठ के पूछो कि मैं ठीक होना भी चाहता हूं कि नहीं। अब इस चीज की क्या पहचान है, इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, पिछले 24 घंटे में अकेले में बैठ के देखिए आपके दिमाग में ज्यादातर थॉट कैसे आए। अगर आपके दिमाग में यही थॉट चल रहे थे कि बाहर जाके क्या रेट चल रहा है, हैं तो दवाई मिल जाए, अब क्या सस्ता हो गया, अब और क्या ऑप्शन होती है, ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट आ रहे थे तो आपकी जो नशे को छोड़ने वाली हाँ है ना, वो नकली है, वो इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि जब तक अंदर से ईमानदारी वाली हाँ नहीं ना आई, फिर सारे लेक्चर सारी दवाइयां व्यर्थ हैं, आप पहुंच ही जाओगे वहां तक। सबसे पहले अपने आप से कमिटमेंट करें, अपने आप के साथ ईमानदार होएं। अगर आपकी अभी तक हाँ आई नहीं तो फिर मैं कहूंगा अपने आप को धोखा मत दो, किसी और को धोखा मत दो, करो। हालांकि ये मुझे कहना नहीं चाहिए, बट मैं यही कहूंगा कि जब तक करना करो, दिल लगा के करो, लेकिन एक बार मन बना लिया ना, फिर पीछे पलट पलट के ना देखो, फिर एक बार आगे हो जाओ। अंदर से एक बार हाँ आ गई ना, बस फिर आगे बढ़ो। ठीक है, पहला स्टेप क्या था कि अपने आप से ईमानदार होना है, और अंदर से अगर हाँ फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक अंदर वाली हाँ नहीं तो बाकी सारे स्टेप जीरो हैं। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, आपको ढूंढना होगा कि मैं नशा छोड़ना क्यों चाहता हूं। नशा तो छोड़ना है, क्यों छोड़ना है? याद रखिए, अगर आपके पास कारण नहीं ना नशा छोड़ने का, नशा छोड़ने का तो छोड़ ही दीजिए। कोई भी काम करने का जब तक आपके पास कारण नहीं है ना, तो आप कर नहीं पाओगे। जब तक एक बच्चे को पता ही नहीं पढ़ना क्यों है, तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले कोई भी काम करना है तो आपको पता होना चाहिए क्यों करना है। जब तक आपके पास कारण नहीं कोई काम करने का, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। आदमी को जो प्रेरणा कहां से मिलती है, हमने लक्ष्य तो बना लिया, मैं कह दूं मैंने IAS बनना है, लक्ष्य तो बहुत बड़ा ले लिया, लेकिन वो लक्ष्य से थोड़ी ना मुझे मोटिवेशन मिलने वाली है। मैंने कह दिया मैंने नशा छोड़ना है, एक मैंने लक्ष्य बना लिया, एक टारगेट बना लिया। सो टारगेट से मोटिवेशन थोड़ी ना मिलती है, मोटिवेशन आपको किस चीज से मिलेगी, मोटिवेशन मिलती है सवालों से, नशा क्यों छोड़ना है। अगर आपके पास क्यों नहीं है ना, नशा छोड़ने के कारण नहीं है, लॉजिक नहीं है, बड़े कारण नहीं होंगे तो आपकी गाड़ी आगे चलेगी नहीं। सो सबसे दूसरा स्टेप क्या है, अपने आप से पूछिए भाई छोड़ना क्यों है। ठीक है, अब छोड़ने ये सवाल आपकी कैसे हेल्प करेंगे, पहला हेल्प करेंगे कि आपको सवालों से मोटिवेशन मिलने वाली है। दूसरी हेल्प क्या करेंगे, देखो मन को ना दबाना नहीं है, मन को दबाना नहीं है, मन को समझाना। देखो एक स्प्रिंग है, आप ना उसको दबाते रहो, कब तक दबा लोगे? जैसे ही दबाव हटेगा क्या होगा, फिर वो उछलेगा, उतना ही ज्यादा उछलेगा जितना आपने दबाया, कम दबाया कम उछलेगा, ज्यादा दबाया ज्यादा उछलेगा। मन भी ऐसा ही है, आपने कहा मैंने नशा छोड़ना, बिना किसी कारण के आप मन को दबाते रहे, नहीं मैंने नशा नहीं करना, आपने कोई कारण तो दिया नहीं।
आपने मन को जबरदस्ती दबाया हुआ है कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने ये काम नहीं करना, कितनी देर दबा लोगे? 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन? जैसे ही प्रेशर हटा फिर क्या होता है, वो कहता है जी 3 महीने हाथ नहीं लगाया शराब को, और जिस दिन पी तो पिछली बार से भी ज्यादा पी गए। ऐसे होता है कि नहीं होता? आप मन को दबा रहे हो, तो मन को दबाने से बात नहीं बनेगी। आप कुछ दिन तो कर लोगे, लेकिन आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे। कुछ दिन छोड़ लोगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, मन को दबा के आप ज्यादा दिन कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने कोई लंबा टारगेट पकड़ना है तो आपके पास कारण होने चाहिए। देखो एक छोटी सी एग्जांपल आगे चलते हैं। एक ना जितना बड़ा आपका लक्ष्य पकड़ लिया आपने, उतना बड़ा ही कारण चाहिए। लक्ष्य तो मैंने ले लिया बहुत बड़ा, लेकिन मोटिवेशन, कारण मेरा छोटा सा। ये बिल्कुल वैसे होगा। फिर देखो आपने ना एक ट्रक लिया, उसके आगे ना मोटरसाइकिल बांध दिया, ट्रक के आगे मोटरसाइकिल का इंजन लगा दो तो चल पड़ेगा ट्रक? क्या होगा, क्या होगा? वो चीका ही निकलने वो मोटरसाइकिल के इंजन का चीके निकलेंगे और गाड़ी तो नहीं आगे बढ़ सकती ना। अगर आगे चलानी है गाड़ी तो इंजन भी उतना बड़ा चाहिए। लक्ष्य तो मैंने बड़े अच्छे ले लिए, मैंने कह दिया मैं ओलंपिक बनूंगा, मैंने मुझे गोल्ड मेडल चाहिए ओलंपिक में, तो उससे क्या होने वाला है? तो लक्ष्य तो ले लिया, लेकिन मोटिवेशन मेरे पास अगर नहीं है तो बात बनने वाली नहीं है। सो जितना बड़ा आपका टारगेट हो, उतने ही बड़े आपको कारण भी चाहिए होते हैं। क्लियर? और फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो अफसोस से कह रहा हूं गाड़ी आगे नहीं चल सकती। अब देखो यहां पे कई लोग बैठे हैं, बड़े इंटरेस्ट से सुनेंगे, वो रोज जब क्लास का टाइम होता है फटाफट भागते हैं कि मैंने सुनना सुनना। और आप में से कुछ लोग हैं, उठाते रहो, सो जाते हैं। और सोने वालों को सुलाने वाला कौन है और उठाने वालों को उठाने वाला कौन है, ये कौन तय करता है? जिसके अंदर इच्छा है वो ढूंढेगा, यार मुझे कोई तरीका मिले, कोई तरीका बताए, कोई साधन मिले और मैं इस जाल से निकलूं। और जिसके अंदर शौक ही नहीं, आप उठाते रहो, उठाते रहो, क्या होगा? वो चीज काम करेगी नहीं, क्योंकि अंदर से कोई प्रेरणा ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है। फिर वो धक्का स्टार्ट गाड़ियां हैं, आप कितनी देर तक उठा लोगे? अंदर से कारण होते हैं तो बात चलते। आगे चलते हैं थोड़ा सा, सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। अच्छा अब थर्ड पे चलते हैं। आप नशा छोड़ना चाहते हो? हाँ, पक्की बात है? क्यों छोड़ना चाहते हैं? हाँ, ये कह रहे हैं अगर मैं नशा नहीं छोड़ूंगा तो जिंदा रहना मुश्किल है। अच्छा कोई और? आप क्यों छोड़ना चाहते हो? क्यों छोड़ना चाहते हो? मजबूरी है? अच्छा हाँ जी, आप छोड़ना चाहते हो? क्यों छोड़ना चाहते हो? अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़ के चले जाएंगे। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाह रहे? आतिश जी आप बताओ, आप तो पहले ये बताओ छोड़ना चाहते हो कि नहीं? आपका तो यही श्योर नहीं मुझे। ये कह रहे हैं कि अगर कल मेरी मम्मी को कुछ हो जाता है तो शायद मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा। वेरी गुड। अच्छा आप क्यों, आप छोड़ना चाहते हैं? क्यों छोड़ना चाहते हैं? अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, कोई अच्छा काम करने के लिए? हाँ जी आप बताइए। हाँ आप बताइए। अच्छा जी, ओके, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, क्यों छोड़ना चाहते हैं? हाँ, अगर हम ठीक नहीं होंगे तो हमारे परिवार को कौन संभालेगा, है ना? अच्छा कोई और? आप बताइए। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि मुझे लगभग सबने छोड़ दिया है, फैमिली ने छोड़ दिया है, कि अगर मैं नशा नहीं छोड़ता अब कोई भी मेरी संभालने वाला उसके बाद नहीं होगा, तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। यार दोस्तों ने, परिवार ने, सबने छोड़ दिया है ना, यही कह रहे हैं ना? कोई और? आप कुछ कह रहे हैं? जी हाँ, अगर नशा नहीं छोड़ेंगे तो सबने ही छोड़ देना।
तो यही कारण है। आज साथी घर दे इलाज भी करा रहे, कोई इद्दा दे बंदे है कि जिन्ना दे घर दे इलाज भी नहीं करा रहे है। हां सड़क पे पड़े हैं, कोई इलाज कराने वाला नहीं। हां बहुत बुरा हाल है। ठीक है चलो अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। हमने डिस्कस किया, देखो अब कितने लोगों ने अलग अलग रीजन बताए। किसी ने बताया कि घर में बहुत तंगी आ गई है, किसी ने बताया कि फैमिली छोड़ देगी, किसी ने कहा कि वाइफ छोड़ के चली जाएगी, किसी ने कहा छोड़ के चली गई है। ये अलग अलग कारण हमने सुने। देखो दो तरह के कारण हो गए जब आपने लिस्ट बनाओगे। यहाँ से जाके आपने तीसरा स्टेप क्या करना है, आपने जो कारण है ना आप नशा छोड़ना चाहते हो उनकी एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में हर छोटा बड़ा कारण लिखिए कि नशा क्यों छोड़ना चाहिए, नशा नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें लिखनी शुरू कीजिए। जब आप एक लिस्ट बनाएंगे ना, इसको बोलते हैं वाई लिस्ट, वाई लिस्ट। जब आप इसमें कारण लिखेंगे ना कि मैं नशा क्यों छोड़ना चाहता हूँ, तो ये लिस्ट कितनी लंबी हो सकती है कोई नहीं जानता, बहुत लंबी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, एक पेज की भी हो सकती है, दस पेज की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कितने सेंसिटिव हो, आप जीवन को लेकर कितने गंभीर हो। तो आप ऐसी एक लिस्ट बनाइए कि मैं नशा छोड़ना क्यों चाहता हूँ। इस लिस्ट में दो तरह के कारण मिलेंगे। अभी हमने देखो दो तरह के कारण होते हैं। अभी हमने देखा कि कुछ लोगों ने बताया कि वो परिवार की वजह से नशा छोड़ रहे हैं, पैसे की तंगी की वजह से नशा छोड़ रहे हैं, है ना, अलग अलग बातें की हमने। तो कुछ कारण कैसे होंगे जो अंदर से आ रहे हैं, और कुछ कारण कौन से होंगे जो बाहर से आ रहे हैं। दो तरह की मोटिवेशन होती है, दो तरह के कारण होते हैं। एक अंदर की समझ से आ रहे हैं, एक बाहर की प्रेशर से आ रहे हैं। मोटिवेशन भी दो तरह की होती है, एक अंदर प्रेरणा, अंतर प्रेरणा होती है, एक बाहर प्रेरणा होती है। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब देखते हैं अंदर वाले कारण कौन से हैं और बाहर वाले कौन से हैं। देखो एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अंडा होता है ना, वो फूटने के लिए बना है, वो फूटेगा ही, है ना, वो सदा तो नहीं रहने वाला, वो फूटेगा ही फूटेगा। अगर तो कहता वो बाहर की फोर्स से टूटा, किसी ने तोड़ा उसको बाहर से फोर्स लगा के, तो कहता है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन वही अंडा जब अंदर की फोर्स से टूटता है, एक चूजा अंदर पूरा बन गया और फिर खुद तोड़ रहा है, तो एक जिंदगी शुरू हो जाती है। दो तरह के प्रेशर होते हैं, दो तरह की मोटिवेशन होती है, एक अंदर से आपको जगाएगी, एक बाहर से धक्का स्टार्ट है। हाँ क्लियर हो रही है। सो एक चीज देखिए, अब कोई कह रहा है कि घर में पैसा नहीं है, तो ये जो छोड़ना चाह रहा है नशा क्यों छोड़ना चाह रहा है, ये पैसे की तंगी की वजह से छोड़ना चाह रहा है। अगर इसको पूरे पैसे मिल जाएं या फ्री में नशा मिल जाए, छोड़ पाएगा? एक आदमी इसीलिए नशा छोड़ रहा है ना, पैसे नहीं है, 4,000 रुपये, 3,000 रुपये, 1,500 रुपये रोज लाने पड़ते हैं, इस वजह से नशा छोड़ रहा है। ये कारण कहाँ है? बाहर का कारण है, ये बाहरली मोटिवेशन है, बाहरला कारण है ये। अब जैसे इसको फ्री में किसी ने कहा यार तू पी ले, या इसको लगा कि सस्ता हो गया, या इलेक्शन वगैरह आते हैं, अफसोस की बात है हमारे लीडर ही बांटना शुरू कर देते हैं, तो ये बचेगा? ये बचेगा ही नहीं, क्योंकि इसका तो एक ही कारण था नशा छोड़ने का, महंगा। जब इसको फ्री में किसी ने दिया तो इसकी ये धोखा खाएगा, इसकी विकेट गिरेगी। दूसरी बात, एक आदमी इसलिए नशा छोड़ना चाह रहा है कि वाइफ ने धमकी दी है कि अगर तू ठीक ना हुआ तो मैं चली। अब जैसे ही इसको पता चला कि वाइफ तो नहीं जाने वाली, ये तो डरा रही थी, वाइफ ने बिस्तरा खोला, मुझे 4 दिन ठीक रहेगा और फिर क्या होगा, मिल के आया दोस्तों को और करके आ गए। अब एक आदमी इस वजह से नशा छोड़ रहा है कि पेरेंट्स सिर पे खड़े हैं कि तू ना छोड़ेगा तुझे बेदखल कर दूंगा। ऐसी होता है ना, तू नहीं सुधरेगा तो बेदखल कर देंगे, घर से निकाल देंगे। इस मजबूरी में ये नशा छोड़ना चाह रहा है, लेकिन परिवार वाले कब तक नजर रखेंगे इसके ऊपर? सारी जिंदगी तो आपके साथ नहीं कोई चलेगा ना। जैसे ही उनकी नजर हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही परिवार वालों ने देखना देख रेख बंद की, और हमारा क्या होना फिर? या फिर आप छोड़ना चाह रहे हो अपनी वाइफ के लिए, कोई कह रहा है मैं तो वाइफ के लिए नशा छोड़ रहा हूँ, बड़ी खुशी से चलेगा, 2 महीने 3 महीने चला, लेकिन रिश्ते तो सदा एक जैसे नहीं चलते, 2 महीने बाद वाइफ से लड़ाई होगी। जिस वाइफ के लिए, एक मान लीजिए जिस वाइफ के लिए इसने नशा छोड़ा, अब उससे झगड़ा होगा, फिर क्या होगा, एक गला मैं तेरे लिए नशा छोड़ा है। किसी लड़की ने इसे कह दिया कि मैं तेरे से तो शादी करूंगी जी तू नशा छोड़ देगा, या तू मुझे छोड़ दे
या नशा छोड़ दे, इसने बड़ी प्रेरणा ली, कहता यार मैं छोड़ दूंगा नशा। शादी होगी, वही घर आ गई चूड़ा पहन के, तो फिर क्या होगा? एक दिन उससे अनबन हुई, कोई कहता तेरे लिए चिट्टी है मैं चिट्टा छड़ता है, तो तू मेरे नाल लड़ी जानी है। ऐसे होता है कि नहीं होता? आप अगर किसी बाहर के कारण की वजह से नशा छोड़ रहे हो ना, बच्चों की वजह से छोड़ रहे हो, डॉक्टर की वजह से छोड़ रहे हो, पुलिस के डर से छोड़ रहे हो, तो आप छोड़ सकते हो, पर ज्यादा लंबे देर के लिए नहीं छोड़ पाओगे। ये थोड़ी दूरी तक ले जाएगी चीज आपको, ये डर आपको 2 महीने बचा सकता है, 6 महीने बचा लेगा, लेकिन आप सदा ठीक नहीं होने वाले। जैसे ही ये कारण हटेगा आप फिर वहीं पहुंच जाओगे। तो ठीक हो कौन सी चीज करेगी? ठीक आप तब होगे जब कारण अंदर से आएंगे, जब आप किसी के दबाव या किसी के, देखो अगर मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ कर रहा हूं या मैं किसी से डरता हुआ कुछ कर रहा हूं, तो मैं सदा वो काम नहीं कर सकता। आप वही काम सदा कर सकते हैं जो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। जब दूसरे आपको प्रेरित कर रहे हैं वो ज्यादा देर काम नहीं करती बात है, लेकिन जब आप खुद को प्रेरणा दे रहे हो तो वो चीज काम करेगी। एक बच्चे को आप कह रहे हो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो ना, वो नहीं पढ़ पाएगा। आप उसको बताओ क्यों पढ़ना है, आप उसको बता दोगे क्यों पढ़ना है तो वो खुद करेगा। जिस दिन उसके अंदर शौक पैदा कर दिया ना आपने, आपका काम ये बताना नहीं पढ़ना कि नहीं पढ़ना, आपका काम है उसको प्रेरणा करना, उसको कारण देना कि पढ़ना क्यों है, पढ़ने से क्या फायदे हो गए। जिस दिन उसके दिमाग में अच्छे से फायदे बैठ गए ना, तो आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा खुद का मन नहीं करता था, मुझे याद है आज भी 10th की मैंने एक मेरे पिछले लेक्चर में जस्ट फॉर टुडे में भी डिस्कस किया था, पढ़ने को बिल्कुल मन नहीं करता था। तो मेरे टीचर ने बताया था मुझे, कहता भाई ये 2 साल मेहनत कर ले, ये 2 साल मेहनत कर लेगा ना तू पूरी जिंदगी ऐश की रोटी खाएगा, सल्यूट पाएंगे। अगर तू अब 2 साल खेल ले तो पूरी जिंदगी लोगों की गाड़ी पे कपड़ा मारेगा। कहता तू जमींदार का बेटा तो है नहीं कि हाँ भी 10-20 किले आते हैं वो बैठ के खाएंगे, ना तेरा बिजनेसमैन का बेटा भी, हाँ भी तेरा बिजनेस चल रहा है तो चल पड़ेगा, कमाएगा तो बेटा खाएगा। तू अब ऐश कर ले पूरी जिंदगी दिहाड़ियां लाई, या तू अब मेहनत कर ले पूरी जिंदगी इज्जत की रोटी खाना, मर्जी तेरी है। ऐसी बात दिमाग में बैठी, वो फिर क्या होता था, घर जाता था मैं देखना कभी कोई लेबर क्लास को देखना, वो लगा हुआ बेचारा ईंटें उठाने, तो मुझे लगता अगर यार मुझे उठानी पड़ गई कब तक पिताजी के सिर पे बैठेंगे। जैसे ही मुझे ये समझ आने लगी कि पैसा कमाना है तो कुछ करना पड़ेगा, और करने के लिए सबसे बड़ी बात हमारे हाथ में पढ़ाई थी, जैसे ही उस चीज का समझ में आई कि पढ़ाई कितनी बड़ी चीज होती है और ये जिंदगी बदल देती है, पढ़ाई में मन लगने लगा। सो पॉइंट समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि जब आपके पास कारण होता है ना किसी काम को करने का, तो आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है। आपका काम है आपको ना अपने माइंड को सिर्फ ये बताना है कि कोई काम क्यों करना है, फिर आपके माइंड में इतनी शक्ति है वो काम कैसे करना है ये खुद ढूंढ लेगा। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कैसे ठीक होना है, क्या तरीके हैं ठीक होने के, पता भी चल जाते हैं तरीके लेकिन ठीक तो फिर भी नहीं होते हैं। हम यही जानना चाहते हैं ना कि ठीक होने के क्या तरीके, हमने बता दिए तरीके, पता भी चल गए, लेकिन क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये नहीं देखना कि कैसे ठीक होना है, आपने ये देखना कि क्यों ठीक होना है। अगर मैं ठीक हो जाऊंगा मेरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आएंगे। जैसे ही आपने क्यों दे दिया ना अपने दिमाग को, कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्या करना है, ये आपका दिमाग खुद ढूंढ लेगा। इसके एक एग्जांपल देता हूं, हेनरी फोर्ड का नाम सुना किसी ने? सबसे पुरानी कारों में से एक कार है फोर्ड। उस कंपनी के जो मालिक थे उसका नाम था हेनरी फोर्ड। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो उसका सपना था कि मैं आम लोगों तक कार लेके जाऊं कि आम आदमी भी कार चला सके। उसने पहली बार सोचा था कि अब तक जैसे धीरूभाई अंबानी का सुना ना हमने, पहले मोबाइल कौन यूज करते थे, अमीर लोग यूज करते थे, सिर्फ इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, आउटगोइंग के भी लगते थे। तो धीरूभाई अंबानी पहला आदमी था, उसने कहा कि मैं हर आदमी के हाथ में मोबाइल दे दूंगा, इतना सस्ता कर देना मैंने, और कर दिया उसने। ऐसे ही सबसे पहले हेनरी फोर्ड था, उसने कहा कि मैंने कारों को ना इतना अफोर्डेबल बना देना कि मिडिल क्लास आदमी भी कार चला सकेगा। पहले कार अमीरों के पास होती थी। तो उस आदमी ने कहा कि अगर कार को सस्ता करना है तो इंजन कुछ ऐसा चाहिए, कॉम्पैक्ट इंजन चाहिए जो छोटी जगह घेरे और पावर ज्यादा दे।
तो उसने क्या किया, अपने इंजीनियर्स जो उसकी कंपनी के थे उनको बुलाया, सबको मीटिंग बुलाई और उनको कहा कि मुझे एक ऐसा इंजन चाहिए जिसमें जो 8 सिलेंडर है ना वो एक ही कैबिन में आ जाए और कंपैक्ट इंजन हो, जगह कम गहरे और पावर हो। तो इंजीनियरों का एक ही जवाब था कि सर दिस इज इम्पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं हो सकता। क्योंकि अगर पहली बात तो 8 के 8 एक उसमें आ नहीं सकते, दूसरी बात अगर हमने इतना छोटा इंजन बना लिया तो उसमें इतनी पावर नहीं होगी कि वो गाड़ी खींच सके, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो सारे इंजीनियरों ने एक ही सुर में उसको कहा कि सर ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तो हेनरी फोर्ड ने कहा, आपने कहा मैंने सुन ली, लेकिन मुझे तो इंजन चाहिए। वो सब हैरान कहते यार ये अलग अनपढ़ बॉस पड़ा हमारे पल्ले, वो इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, वो 8-10 पास है। वो कहता मुझे ना बताओ क्यों नहीं चलेगा, मुझे तो ये बताओ कैसे चलेगा, मुझे तो चाहिए। वो कहता टाइम लो, पैसे लो, लेकिन जैसे मर्जी करो, मुझे ये इंजन चाहिए ही चाहिए। तो क्या हुआ, उनको पैसे देता है, उनको सैलरी देता है, वो बैठे हैं काम कर रहे हैं, उनको सारा सामान जो चाहिए दे दिया। 6 महीने के बाद मीटिंग बुलाता है, कहता जी कहाँ पहुँचा काम, सब चुप करके बैठे हैं। वो कहता जी जवाब दो। तो सब ने एक ही जवाब दिया कि सर जी सॉरी, हमने आपको पहले ही कहा था कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि मुझे ये जवाब नहीं चाहिए, मुझे इंजन चाहिए, जैसे मर्जी करो, आपको फिर वक्त दे रहा हूं कि मुझे इंजन चाहिए। 6 महीने के बाद फिर मीटिंग हुई, फिर पूछता भाई हाँ जी बताओ, और फिर वही जवाब मुंह लटका के कह देते सर जी आई एम सॉरी, ये तो हो ही नहीं सकता, हमने बहुत प्रयास किए लेकिन ऐसा इंजन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे करते करते कहते 2-2.5 साल बीत गए, एंड में मीटिंग बुलाई हेनरी फोर्ड ने, वो कहते कहाँ पहुँचा काम, वो कहते सॉरी सर दिस इज इम्पॉसिबल। वो कहते ठीक है इम्पॉसिबल, मैं आपको लास्ट 6 मंथ दे रहा हूँ, ये लास्ट 6 महीने हैं, या तो वो इंजन मुझे दे दो या आई विल फायर यू, घर जाओ, या तो मुझे वो इंजन दे दो या अपने बोरिया बिस्तर चको घर जाओ। तो क्या हुआ, वही इंजीनियर जो 2-2.5 साल से एक ही बात दोहरा रहे हैं दिस इज इम्पॉसिबल दिस इज इम्पॉसिबल, 3 महीने बाद उन्होंने खुद फोन किया हेनरी फोर्ड को, उनको जाकर कहते सर हमारा मॉडल तैयार है एक बार आके देख लीजिए। तो जो इंजन पिछले 2-2.5 साल में 3 महीने के अंदर अंदर इंजीनियर्स ने बना के दे दिया, कैसे पॉसिबल हुआ, पॉइंट समझ आ रहा है ना। उन्होंने हेनरी फोर्ड ने एक ही बात कही जब उससे इंटरव्यू हुई, तो कहता मुझे नहीं पता इंजन कैसे बनते हैं, आई एम नॉट इंजीनियर, मुझे नहीं पता इंजन कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, कार कैसे चलती है, कैसे काम करते हैं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है आदमी का दिमाग कैसे काम करता है, जब इसको कोई कारण दे दिया ना तभी ये काम करेगा। पहले मुझे पता था, 2-2.5 साल मैंने इनको दिया कि ये माइंड स्टॉर्मिंग करते रहे, पढ़ते रहे, जानते रहे, एंड में जब उसने प्रेशर दिया कि अब काम नहीं करोगे तो यू विल बी फायर, अब उनको पता था कि अगर यहां से निकले इतनी अच्छी कंपनी से तो बच्चे है ना, सैलरी इतनी अच्छी नौकरी, तो 3 महीने के अंदर वो इंजन कहां से आ गया। सो आदमी का दिमाग कारण से चलता है, जिस चीज को आप मान लेते हो कि ये होने वाला नहीं है, मैं नहीं कर सकता, वो आपका दिमाग कभी नहीं कर पाएगा, और जिस चीज के लिए आपके पास कारण है कि ये करना ही है तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढ लेगा। सो कहने का मतलब समझ आ रहा है, जब आपके पास कारण होते हैं तो आपका दिमाग प्रेरित होता है और गाड़ी आगे चलती है। और दूसरी चीज मैंने पहले भी बताया कि जो बाहर के प्रेशर हैं वो कुछ देर के लिए आपको प्रेरणा दे सकते हैं, सदा के लिए आपको प्रेरणा नहीं देंगे। अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको कारण अंदर से ढूंढने पड़ेंगे, मैं नशा छोड़ना क्यों है। अब आगे चलते हैं, थर्ड स्टेप क्या है, लिस्ट तो बना ली, उसमें बहुत सारे कारण भी लिख लिए मैंने, इसलिए नशा छोड़ना, इसलिए नशा छोड़ना, इसलिए उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बंदे तो बहुत बड़ी लिस्ट लेके आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि कितनी गलतियां होंगी नशा करके, आप सोच के देखो, गिनती है कोई, ऐसे ऐसे काम करवाए हैं जो अगर हम नशा ना करते शायद कभी भी ना होते, शायद कभी झूठ ना बोलनी पड़ती, शायद यहाँ सेंटर में भी ना आना पड़ता, ऐसी ऐसी जगह बेइज्जती हुई जो हम शायद ना ही करवाते अगर नशा ना होता है ना। कितने काम करवाए नशे ने गलत, तो ये कितनी बड़ी लिस्ट हो सकती है, नो वन नोस। देखो ये क्यों बनानी जरूरी है,
आप मेरे से पूछो नशा छोड़ने कारण, मैं तो बता दूंगा ये कारण है, 200 लिस्ट बना दूंगा मैं तो, लेकिन वो कारण आपके काम नहीं आएंगे। आपके काम आपका ही कारण आएगा, मैं जो बता दूंगा वो आपको कुछ देर के लिए सुन लोगे पर वो काम नहीं करेगी, वो आपके अंदर से कारण होगा तभी आपके लिए काम करेगा। अब जब आपने लिस्ट बना ली बहुत लंबी, 100, 200, 20, 50 जो भी आपने बनाई लिस्ट बना ली, उसमें से 5 कारण जो ऐसे हैं जिसको पढ़ के सुन के याद करके आपकी आत्मा भी कांपती है, ऐसी गलतियां या ऐसे सपने जिसको याद करके आपके अंदर कुछ हिलता है, आपके दिल में कुछ चेंजेस आते हैं, वो 5 कारण आपने एक छोटे से स्लिप पे लिख लेने, एक पेपर पे लिख लेने। कैसे हो सकते हैं वो कारण, मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ मेरे साथ, आप जैसे लोगों ने डिस्कस किए हैं, कई लोगों ने। एक बंदा बोला, कहता सर मैं बताता हूँ अपना कारण। मैं कह बोलिए। वो कहता सर मेरा सबसे बड़ा कारण, कहता मैं यहाँ हूँ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं घर कैसे जाऊँगा, मैं अपने परिवार से आंखें कैसे मिलाऊँगा। मैं कह क्यों, कहता मैंने अपने पिताजी से पैसे मांगे, तोड़ लगी हुई थी, पैसे मांगे उन्होंने कहा, समझाने की कोशिश की भी नहीं, वो कहता जिद बहस में मेरे से ना धक्का लग गया, कहता वो ना पीछे जाके गिर गए और उनकी बाजू टूट गई, कहता मैं यहाँ हूँ उनके प्लास्टर लगा हुआ है, मुझे शर्म आती है कि क्या काम कर दिया मैंने, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो कहता जब मैं ये याद करता हूँ तो फिर मुझे नफरत होती है नशे से। मैं कह ये तेरा अच्छा कारण है, लिख ले इसको। एक ऐसे एक लड़का था, बड़ा जवान था, बड़ा खूबसूरत लड़का था, उसने बताया, कहता सर मैं बताता हूँ मेरा कारण, कहता मैं, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, हॉस्पिटल में गए हुए थे, डिलीवरी होनी थी, मैं बाहर खड़ा था, वाइफ अंदर थी, वो पैक पॉकेट में पैसे भी होते हैं दवाई वगैरह के लिए, है ना, एमरजेंसी। कहता करते करते वो कई बार लेबर पेन शुरू नहीं होती, वो डॉक्टर वेट करते हैं, अभी कोई नहीं लेबर पेन होने दो, फिर करते हैं शुरू। तो कहता मैं वेट कर रहा था, बाहर बैठा था, घंटा 2 घंटे बीत गए, मुझे लगा कि शायद अभी टाइम लगने वाला है, तो मेरे दिमाग में कीड़े शुरू हो गए, जैसे ही टाइम आया तो चल पी आता हूँ। वो कहता क्या हुआ, मैंने सोचा 10 मिनट का तो रास्ता है, इतने में ये करेंगे शुरू, मैंने वापस आए जाना। कहता मैंने बाइक को मारी किक, वो कहता मैंने चला गया लेने, वो पहले लाठियाँ वार, फिर तोती, मतलब अलग अलग जगह, कहता मैं घूमता रहा, यहाँ नहीं मिला, वहाँ वहाँ नहीं मिला, यहाँ, कहता भूल ही गया पीछे वाइफ बैठी है। होता है ना जब आदमी को तोड़ लगती है उसको फिर सूझता है कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कहता मैं बाइक लेके 1.5 घंटा कहता मेरा ऐसे वेस्ट हो गया, कभी यहाँ कभी वहाँ, तंगी चल रही थी, मिला नहीं। वो कहता जब मैं वापस गया तो वहाँ पे माहौल बड़ा गड़बड़, मैं जैसे ही गया कहता मेरा पिताजी पहुँच गए वहाँ पे, उन्होंने पहले गालियाँ दी, फिर डॉक्टर ने गालियाँ दी, हुआ क्या, कहता जैसे ही मैं निकला उधर से पेन शुरू हो गई। हो जाता है ना, पता थोड़ी ना चलता कितना मिनट लगने का, तो पेन शुरू हो गई। और डॉक्टर फिर क्या करते हैं, वो बेचारे लिस्ट लेके भी, ये लेके दो, ये ला के दो, वो बेचारे ढूंढ रहे हैं इसके साथ कौन है, इन्हें नंबर बेड के साथ कौन है। कहता डॉक्टर ढूंढ रहा और मैं वहाँ पे हुई नहीं। वो कहता कुदरती, फिर उन्होंने डॉक्टर्स क्या करते हैं, फिर इधर उधर का सामान पड़ा होता है ना साथ वाले पेशेंट का, वो यूज़ कर लेते हैं एमरजेंसी में, वो क्या करेंगे, तो साथ वाले पेशेंट का जो पड़ा है इधर से उधर से वो सारा सामान उठा के उन्होंने लगा दिया। तो पिताजी आए, कहता डॉक्टर पिताजी को डांटने लगे, कुदरती पहुंच गए वो बाय चांस पहुंच गए आधे घंटे के अंदर। तो डॉक्टर ने पहले उनकी क्लास लगाई, कहता जब मैं पीछे आया 1.5 घंटे बाद तो मेरी लगी। कहता मुझे शर्म इस बात की है, अगर खुदा ना खास्ता उस दिन कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ कैसे करता। एक तरफ मेरे घर पे मेरा बच्चा पैदा होने वाला है और मैं जानवर कहां फिर रहा हूं, सोचो ना। वो कहता उस वक्त नहीं सूझती, कहता मैं ठीक हो रहा हूँ तो मुझे शर्म आती है उस चीज़ को याद करके, तो मैं कह ये तेरा कारण है। ऐसे एक बंदे ने बताया, कहता मुझे तोड़ लगी हुई, पुलिस का मुलाजिम था, वो नशे में था, वो ऐसे ही इलाज चल रहा था, उसने कहा, कहता सर मेरे साथ क्या बनी मैं बताता हूँ, ऐसे अपने अपने रीजन डिस्कस कर रहे थे। कहता हुआ क्या, कहता मुझे तोड़ लगी हुई, पैसे दे नहीं रहे, पैसे है नहीं, वो मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ। कहता अचानक मेरी नज़र सामने पड़े हुए मेरे बेटे पे चली गई, वो 3-4 महीने का, वो आपने देखा हो छोटे बच्चों के हमारे यहाँ ना कड़े से पहना देते हैं चांदी के, वो छोटे छोटे घुंघरू से लगे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
कंगन बोलते हैं। सो कंगन बच्चे को पहनाए हुए थे हाथ पैर में, कहता मेरी नज़र उन पर चली गई, वो कहता मैंने वो निकाले चांदी के, वो लेके गया पी पू के आ गया, कहता जब वापस आया तोड़ लगे तब तो समझ नहीं आता, कहता पी भी लिया और मैं फिर रोया बहुत, कहता मैं चाहे 100 नालायक हूँ, मैंने इतनी गलतियाँ की, लेकिन मेरा बाप आज भी मुझे कहता तू ठीक हो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू ठीक हो जाए हम तेरा साथ देंगे, कहता लेकिन मैं इतना नालायक हूँ, मेरा बाप आज भी मेरे साथ खड़ा है, वो कहता मैं इसके शौक पूरे कर पाऊँगा जैसे मेरे बाप ने मेरे किए, कहता मैं जिसको देने थे मैं तो उसके भी उठा के ले गया, कहता मैंने अपने बाप को भी तंग किया आगे मैं अपने बच्चों को भी तंग कर रहा हूँ, कहता मुझे आज भी शर्मिंदगी है उस चीज़ की। तो क्या हुआ, तो मैंने कहा भाई ये आपके लिए कारण हो सकता है। सो ऐसे हल हर आदमी का एक अलग हो सकता है। सो आपने क्या करना है, ऐसे 5 कारण जो भी याद करो, जिसको याद करने से आपके दिल पे ठेस लगती है उनकी एक लिस्ट बना लो, और उनका क्या करना है आपने, उनको रोज सुबह उठ के पढ़ना है, और क्या कहना अपने आप से, याद करना उन चीजों को, और क्या कहना है कि आज के दिन मैं नशा नहीं करूंगा क्योंकि नशे की वजह से मेरे साथ क्या हुआ, ये हुआ, नशे की वजह से मेरे साथ क्या हुआ, ये हुआ। ऐसी ऐसी चीजें जब आप अपने आप को बार बार याद कराते हो, उससे आपको नशे से दूर रहने में प्रेरणा मिलती है, और ये हर चीज के लिए यूज होती है। आपने कोई भी बड़ा काम करना है तो आपको बार बार उस चीज को याद करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, तभी आपका माइंड आगे बढ़ेगा, वरना आप भूल जाओगे। आज आपने संकल्प ले लिया, लेक्चर सुना, बड़ा मजा आया कई लोगों को भी, हाँ यार मैंने नशा छोड़ देना, बड़ा जोश आ गया, लेकिन क्या होगा, 2 घंटे जोश रहा, 4 घंटे जोश रहा, 10 दिन रहा जोश, उसके बाद क्या होगा, मुठ्ठियां जब हम यहां से गए ना, ऐसे नहीं कि मैं नशा छोड़ दूंगा, कितनी देर रहेंगी ये, 2 दिन 4 दिन ये मुठ्ठियां ढीली पड़ जाती हैं। आपने जो संकल्प लिए वो संकल्प थोड़े दिन में ही ढीले पड़ जाते हैं, फिर दिमाग भूल जाता है, फिर हम इधर उधर चले जाते हैं। सो अगर आप चाहते हो ये मुठ्ठियाँ कसी रहें, तो आपको अपने आप को बार बार याद कराना पड़ेगा कि मैंने ये क्यों करना है। जब तक आप याद कराते रहोगे गाड़ी आगे चलती रहेगी, जैसे ही आपने बंद किया उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं, और ये टेक्निक काम करती है। कैसे करती है, अब इसको थोड़ा और समझा देता हूँ। देखो ना, ये एक रूम है, इसमें रोज झाड़ू मारना पड़ता है कि नहीं मारना पड़ता है, साफ रखने तो इसको झाड़ू मारना पड़ता है ना, अगर झाड़ू नहीं मारेंगे तो क्या होगा। देखो साफ करना है तो हमें सफाई करनी पड़ी, झाड़ू पोछा लगाना पड़ा, लेकिन गंदा करने के लिए कोई मिट्टी फेंक के जाता है, गंदा कौन करता है, गंदा अपने आप हो जाता है। सिमिलरली माइंड के साथ है, अच्छा सोचना है ना तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप को याद कराना पड़ेगा, लेकिन गलत सोचना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। देखो जब भी आपने कोई अच्छा काम करना है ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब उल्टा करना है ना, वो तो अपने आप ही हो जाता है। सिमिलरली देखो, आपने कल नहाए हो गए, आप आज भी नहाए हो गए, अब इस सवाल का जवाब तो वही दे सकता है जो रोज नहाता है, कि मान लो एक दिन ना नहाओ तो कैसा फील होता है ना, सुस्ती रहती है, आलस रहता है, दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, खुशी नहीं महसूस होती। देखो अगर आपने साफ रहना है, चुस्त रहना है, तो आपको नहाना पड़ेगा, अगर सुस्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, बस नहाना छोड़ दो। इसी तरह से दिमाग में, दिमाग को साफ रखना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, अगर गंदा करना है तो कुछ भी नहीं करना। अच्छे ख्याल आपको जबरदस्ती लाने पड़ेंगे, सोच के लाने पड़ेंगे, बुरे ख्याल अपने आप आ जाते हैं। उसके लिए कोई, कभी ऐसे सुना किसी बोर्ड पे लिखा हो यहाँ पे गालियां देनी सिखाई जाती हैं, यहाँ पे बदतमीज बनने के लिए कोर्स कराएं, क्रैश कोर्स है, 15 दिन में बदतमीज बने। किसी को गंदा बोलना, माड़ा बोलना, बुरा बोलना, गाली देना कुछ सीखने की बात है, ये तो गधे भी दे सकते हैं, लेकिन इज्जत से पेश आना, रिस्पेक्ट से बात करना, इन चीजों के लिए आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हो कि आप सदा ठीक रहो, तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी। क्या समझनी होगी, कि अगर आप ठीक रहना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग में रोज झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। आपको बार बार जैसे ब्रश करते हैं, ऐसे अपने आपके, जैसे दांतों की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, कमरे की सफाई करते हैं, वैसे ही बार बार अपने संकल्प को भी याद करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। इस शीशे पे आप कपड़ा ना मारो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, धीरे धीरे आपको उसमें अपनी शक्ल भी दिखाई नहीं देगी। ऐसे जो आपने संकल्प लिया नशा छोड़ने का, उस पर भी बार बार कपड़ा नहीं मारोगे, बार बार याद नहीं कराओगे, तो क्या होगा,
तो एक दिन आप उस चीज़ को क्लियर हो रही है। सो अगर आप ठीक होना चाहते हो तो अपने आप को बार बार याद कराना पड़ेगा। ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके शरीर पर भी लागू होते हैं, आपके मन पर भी लागू होते हैं। आप जिम में चले जाओ, एक दिन डंबल उठाओ, डोले बन जाएंगे? कब तक करने पड़ेंगे? अगर कोई मूर्ख कहे कि मैं आज डंबल उठाए और आज ही डोले बन जाए तो नहीं बनने वाले ना। तो अगर आपको डोले चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डेली करनी पड़ेगी। मान लो मैंने डेली एक्सरसाइज शुरू कर दी, 3 महीने 6 महीने लगाए, मेरा शरीर बन गया, तो अब छोड़ सकते हैं एक्सरसाइज? क्यों? अगर छोड़ दी तो 1-2 महीने में बॉडी फिर वापस वहीं पहुंच जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपका जो शरीर है वैसा ही बना रहे तो आपको बार बार एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा। कब तक करते रहना पड़ेगा? जब तक जिंदगी है या फिर जब तक आप वैसा शरीर चाहते हो, है ना? हाँ, जब तक करते रहोगे शरीर वैसा ही बना रहेगा। जैसे ही आपने छोड़ा, 1-2 महीने के अंदर अंदर आपकी बॉडी फिर पुरानी सिचुएशन में जानी शुरू हो जाएगी। सिमिलरली आप अपने माइंड को याद कराते रहोगे, ये मोटिवेशन लेता रहेगा, आगे चलता रहेगा। जैसे ही आपने बंद किया, वो दिमाग में संकल्प धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप फिर वहीं पहुंच जाओगे। देखो, एक आदमी सोचे कि मैं सुबह ही इतनी रोटी खा लूं कि मुझे शाम को या दोपहर को खानी ना पड़े, तो क्या होगा? नहीं चलेगा ना। सो आपको कितनी बार खाना पड़ेगा? खाना थोड़ा थोड़ा बार बार खाना पड़ता है ना। जैसे शरीर को बार बार जरूरत पड़ती है, ऐसे दिमाग को जरूरत पड़ती है। कई लोग कहते हैं माइंड कहना नहीं मानता, मन कहना नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? आप एक बात सुनो, आप 3 महीने रोटी ना खाओ, 15-20 दिन रोटी ना खाओ, चलो 3 महीने ज़्यादा हो जाएगा, 15-20 दिन रोटी ना खाओ, आपका शरीर कहना मानेगा? अगर शरीर को खाने दोगे तो शरीर भी कहना नहीं मानेगा। मन कहना क्यों नहीं मानता? मन को कभी हमने दी खुराक? मन की खुराक क्या है? अच्छी बातें, मोटिवेशनल चीज़ें, मोटिवेशनल लेक्चर, किताबें, वो तो हम नहीं करते। तो मन भी कहना नहीं मानेगा। जब आप मन के ऊपर काम करोगे तभी आपका मन कहना मानेगा। और ये बार बार आप करते रहोगे तो गाड़ी चलेगी। जैसे ही आपने खुद को याद कराना बंद किया तो आपकी मोटिवेशन डाउन चली जाएगी, मोटिवेशन सदा नहीं रहती। क्लियर हो रही है? सो लास्ट देखो एक चीज़ और है, हम सुबह कौन सा पाठ करते हैं? जप जी साहब का। शाम को रहराज साहब। तो पाठ हमने कल भी किया, परसों भी किया, कई लोग बचपन से करते आ रहे हैं। और कई तो ऐसे भी हैं जो कहें कि मुझे कंठ हो गया, मुझे याद है, मुझे गुटका साहब की जरूरत ही नहीं है। जब एक आदमी को पाठ कंठ हो चुका है, याद हो चुका है, तो फिर बार बार पढ़ने की क्या जरूरत है? तो भी पढ़ते हैं ना। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे गुरु थे ना जो, वो बहुत महान मनोवैज्ञानिक भी थे। वो जानते हैं मनुष्य की आदतें, हम ना भूल जाते हैं अच्छी चीजें। आदमी की आदत भूल जाता है। तो उन्होंने नियम क्या बनाया? रोज सुबह पाठ करना है। रोज सुबह पाठ क्यों करना है? जब हम बार बार पाठ करते हैं तो हमारे दिमाग में हम क्या कर रहे हैं? कपड़ा मार रहे हैं। और हम क्या याद कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, मेरा मेरे गुरु से क्या रिश्ता है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। जब आप रोज रोज उस चीज को याद करते रहोगे तो संभावना यह है कि आपकी जिंदगी भी उस तरफ जाएगी। ठीक है ना? ऐसे ही इस्लाम में तो 5 टाइम नमाज का जिक्र है। किसी ने पूछा मोहम्मद साहब से 5 टाइम नमाज क्यों? वो कहता है अगर कोई आदमी दिन में 5 बार नहाए तो कारण वो गंदा नहीं होगा ना। तो ऐसे ही अगर कोई 5 बार खुदा को याद करेगा तो उसका दिमाग भी चांसेस ये है कि अच्छी तरफ जाएगा। क्लियर हो रही है? सो जैसे ही आप, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी अच्छी तरफ चले, आप नशा छोड़ दो, आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, तो एक बात याद रखना, आपको अपने माइंड पे बार बार कपड़े देने ही पड़ेंगे, मारने ही पड़ेंगे। गाड़ी तभी चलेगी, वरना गाड़ी कुछ देर बाद रुक जाएगी। ठीक है, अब पूछिए क्या पूछना। जी, एक लिमिट के ऊपर, खास तौर पे जो भांग का नशा है या मेडिकल नशा है, भांग का नशा ना, अब देखो गोले खाते हो ना, भांग का नशा या मेडिकल नशा आपके दिमाग के संतुलन को इतना बिगाड़ देता है कि धीरे धीरे आपको भ्रम होने लग जाते हैं। आवाजें सुनना, आदमी दिखना, डर लगना, ऐसे लगना कि मेरे शरीर में कुछ घुस गया है, हाँ, चल पड़ना रात को, ऐसे सारी चीजें भांग की वजह से होती हैं। ये मेरे ना सर जब दहन में ना बहुत दर्द आया हुआ। अच्छा,
सो अगर आप नशा कर रहे हो तो मत कीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल पूछ रहा था कोई बीच में से? हाँ जी, आप पूछ। हाँ जी, मम्मी ने बताया था तो कि तेरे पापा ही ऐसे ही करते थे, मेरे पोते मारते थे जी, तो तवे ना करते मारते थे, तो लोग मैं चलते ना करते हैं, तो ये लोग हम बड़े हो नहीं और आपके लोग ने जी वो टेंशन ना लेकिन फिर जो टेंशन माँ पर। देखो इन्होंने क्या कहा कि अपने घर के माहौल की वजह से ये लग गए। अब इस चीज़ को भी समझिए, मैंने ना किताब है मेरे पास, बड़ी अच्छी किताब है शिव खेड़ा की, यू कैन विन किताब का नाम है, उसमें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है। वो कहता है दो भाई थे, आपकी साथ आपकी बात के साथ रिलेटेड है, एक बड़ा शराबी है, सिरे का शराबी और एक बड़ा शरीफ आदमी, दोनों जुड़वा थे। एक सयाना आदमी गया उनके पास, उसको पूछता भाई जो शराब पीता, उसको पूछता भाई तू शराब क्यों पीता है, कारण क्या है? तो वो कहता मैं शराब इसलिए पीता हूँ कि ना मेरे पिताजी, जैसे आपने कहा कि शराबी हैं, तंग करते थे, परेशान करते थे, कहता उनको देख के मैं सीख गया, मैं मुझे भी आ गई, सारा दिन दुख था, दुख बुलाने के लिए मैंने पीनी शुरू कर दी और मैं शराब पीने की जो मुझे आदत है अपने पिताजी से पड़ी। वो दूसरे आदमी के पास गया जो दूसरा भाई था, जो ठीक था, अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, वो उसके पास गया, उसको पूछता कहता भाई तू क्यों नहीं पीता, तू कैसे ठीक है, तुझे ये अच्छी ज़िंदगी जीने की प्रेरणा कहाँ से मिली, शराब ना पीने की और अच्छी ज़िंदगी जीने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उसने पता क्या जवाब दिया, कहता अपने पिताजी से। दूसरे भाई ने भी प्रेरणा पिताजी से ली थी शराब पीने की, और इसने ना पीने की भी कहाँ से ली, कहता अपने पिताजी से। कहता वो कैसे? कहता उनको देख के मैंने सीखा कि जो शराब पीता है ना उसकी ज़िंदगी कुछ नहीं होती है ना, अब माँ भी दुखी, बच्चे भी दुखी, कहना मैंने उसको ये हालत देख के कसम खा ली थी कि भी ये नशा बड़ी बुरी चीज़ है और मैंने कभी हाथ नहीं लगाना और मैंने अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पे ले जाना, ये ज़िंदगी मुझे पसंद नहीं। अब एक ही आदमी से दो आदमी प्रेरणा ले रहे हैं, एक आदमी ने क्या प्रेरणा ली और दूसरे ने क्या ली। सो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो इन्हीं हालात का अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ठीक है जी, सो लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा, राजी अगर ठीक होना है तो ठीक किसी और ने नहीं करना, दूसरे लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं ठीक होने में, हमें मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन ठीक तो आपने खुद ही होना है। सो ईमानदार बनिए अपने आप से, कोशिश कीजिए कि जिंदगी को अच्छे ढंग से जीना। थैंक यू वेरी मच, आपने इतने प्यार से सुना, थैंक यू।